फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए एंड जी वी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो ए है कैपिटल ए वो क्या है अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स और नंबर हमने लेट करे हैं कौन कौन से हैं ए स्मॉल ए एंड बी। ठीक है, और जी इज ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये दो चीज़ें दी थी। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अर्थमेटिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है दो नंबर जो ए प्लस बी थे डिवाइडेड बाई टू करके हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है कैपिटल ए के बराबर दिया गया है मीन्स कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। यहाँ से टू को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा टू कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या बोली है हमें कि जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो किसके बराबर होता है रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी तो आपको ये ईजी लगेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन जो है जी के बराबर दिया गया है यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन है रूट ऑफ ए बी। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू रूट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो ए बी की वैल्यू जो है वो जी स्क्वायर के बराबर है। दो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई हैं। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो ए एंड बी हैं वो क्या है रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, लेट ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कोई इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से दी होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, ये किसकी आइडेंटिटी थी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है इसके बराबर होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है टू कैपिटल ए एक्स प्लस ए बी की वैल्यू है जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए की वैल्यू कितनी है वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस टर्म में होती थी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो है वो कितना है वन, बी का एक्स का कोफिशियंट एक्स वाले का कोफिशियंट है माइनस का टू ए और जो सी का कोफिशियंट है वो कितना है जी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ से रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है पता होगा एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू है माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू वन इंटू सी, सी की वैल्यू है जी का स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए, ए की वैल्यू है वन। ये लिख लिया हमने, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये बच गया टू ए प्लस माइनस रूट माइनस टू का स्क्वायर फोर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर बन जा फोर फोर जी स्क्वायर अपॉन टू बन जा टू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद है टू ए प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों में देखा जाए तो फोर कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फोर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर अपॉन टू। 2a प्लस माइनस फोर रूट अलग कर देंगे, इनको कर दिया 4 का रूट अलग कर दिया, ए स्केयर माइनस जी स्केयर का रूट अलग कर दिया अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस माइनस फोर का रूट जो होता है वो होता है 2 और उसके बाद आ गया यहाँ पे ए स्केयर माइनस
ये जी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। दोनों में देखा जाए जो ये वाली वैल्यू थी और ये वाली, इसमें टू कॉमन है तो यहाँ पे टू कॉमन ले लिया। पहले वाले में बचा ए प्लस माइनस, यहाँ पे बच गई सिंपल इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू, टू से टू कट हो गया तो यहाँ पे बचा ए प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगा देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी के बराबर होता है, लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे ए था प्लस माइनस, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी, ठीक है। रूट ऑफ ए प्लस जी पहले लिख लो, जब बाद में लिखो, एक ही बात है, ए माइनस जी अपॉन टू, सॉरी टू यहाँ पे कट हो गया था, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए भी यही बोला गया था कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और यही हमने यहाँ पे प्रूव हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।